नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे वी नाम वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2020 में उनके जिंदगी का सुहाना सफर। दोस्तों, आज का हमारा राशिफल वीडियो उन जातकों के लिए जिनका नाम वी अक्षर से शुरू होता है। आज हम आपको बताएंगे राशिफल 2020 के अनुसार वी नाम वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2020 का उनके जिंदगी का समय। चाइल्ड एंड न्यूमरलाइज के आधार पर वी लेटर छठे नंबर के स्थान पर आता है और छठा नंबर न्यूमरलाइज में शुक्र का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वी लेटर वाले लोगों को साल 2020 में शुक्र के योग और प्रतियोग से ही भिन्न भिन्न तरह के फल प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा वी नाम वालों का राशिफल 2020 के अनुसार उनका समय। कैरियर और व्यवसाय, यह वर्ष आपके लिए काफ़ी क्रिएटिव रहने वाला है, यानी कि इस वर्ष आप कुछ अलग जरूर करेंगे। इस वर्ष अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि किसी महिला की सहायता से पूरा होना है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो महिला का सहयोग आपको अच्छे फल दिला सकता है, जिससे आपका रुतबा कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। आपके लिए विदेश से किसी काम का ऑफर भी इस साल आ सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। अगर आप इस साल अपने बॉस या सीनियर्स के साथ किसी तरह की बहस में ना पड़े तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। वैवाहिक जीवन, आपके जीवन में इस साल प्यार की अधिकता रह सकती है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी इस वर्ष आप पर खूब प्यार बसाए। इस साल आप अपने जीवन साथी को और आपका जीवन साथी आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आपका विवाह हाल ही में हुआ है तो आपका जीवन साथी किसी तरह की खुशखबरी आपको इस वक्त सुना सकता है। आपके भाग्य से इस साल आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी से ससुराल पक्ष को लेकर कोई कहासुनी हो रही थी तो इस साल उसके खत्म होने की संभावना है। अपने जीवन साथी के साथ आप इस साल कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। शिक्षा, आपके लिए इस साल शिक्षा प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप किसी विदेश यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो इस साल आपको यही चाहत पूरी करने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। इस साल आप शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ख्याल रखना होगा कि आप अपने समय का गलत इस्तेमाल ना करें और उन लोगों से दूर रहें जो आपका समय खराब करते हैं। इस साल आप अपने शिक्षकों के साथ भी अच्छे तालमेल बिठा सकते हैं। इस साल आपको किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। प्रेम जीवन, यह वर्ष आपके संबंधों में काफ़ी मजबूती लाएगा। आपका महबूब इस वर्ष आपके और करीब आएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अब तक उससे इजहार नहीं कर पाए हैं तो इस वर्ष आप उससे इजहार कर सकते हैं। यदि आप अपने या अपने लवमेट के माता पिता से शादी की बात करना चाहते हैं तो यह बस आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथी के साथ बिताएं। आर्थिक जीवन, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मानसिक सुकून मिलेगा। आपके लिए इस वर्ष धन आगमन के कई मौके आएंगे। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में इस वर्ष इजाफा होगा। आपको पेट संबंधी समस्या होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए आप खान पान पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें और हो सके तो मॉर्निंग वॉक और योगा अवश्य करें। आपके लिए उपाय है कि आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। साथ में पूजा अर्चना पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए ध्यान और भगवान का स्मरण अवश्य करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।